हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे एक समर वाटरप्रूफ ब्राइडल मेकअप। ये मेरी मॉडल है, तो सबसे पहले हम इनके स्किन को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटाफिल का यूज़ किया है। सेटाफिल से मैं अच्छे से इनके स्किन को क्लीन कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने एक वेट वाइप लिया है और इसे मैं अच्छे से इनके फेस को क्लीन कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइस रब कर दिया था इनके फेस पे, ताकि मेकअप थोड़ा लॉन्ग स्टे रहे। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पिक्सी का टोनर। शील्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। समर्स में आपको अगर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है या किसी की ऑयली स्किन हो, तो आपको हमेशा एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आप देख सकते हो, इसके बाद हमने इनके हेयर्स प्रेप कर लिए थे, तो जिसके लिए बीच में हाफ एन आवर चला गया था। तो उसके बाद मैं फिर से इनके स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर दिया है, शुगर का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एस ऑफ ग्लोरी। तो हर एक स्टेप के बाद हमें थोड़ा सा गैप देना है, मे बी 10 to 15 seconds। और इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एल्यूमिनेटर, जो कि है के ब्यूटी का। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। आप देख सकते हो बेस भी बिल्कुल ड्यूई लगता है इससे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी स्किन करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कलर व्हील, जो कि है फॉरएवर 52 का। उसमें से ऑरेंज शेड लेके मैंने जहाँ भी इनके स्किन पर डिसकलरेशन है या डार्क सर्कल्स है, वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ रियल टेक्निक के ब्रश से। ये रियल टेक्निक का ब्रश है, फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। इसे मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ हल्के हाथों से। और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर शुगर का कंसीलर अप्लाई कर दिया है। अभी ये कंसीलर इनके स्किन टोन से एक टोन डार्कर है, आप देख सकते हो। इससे मुझे एक इवन टोन मिल जाएगा। इस तरह से हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे भले ही आपको लगता हो कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एकदम फेदर टच से इन्हें ये सब अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको भी आपका जो हाथ है बिल्कुल हल्का रखना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। इसका शेड है संडे। ये इनके लिए एकदम परफेक्ट शेड है। फाउंडेशन को मैंने प्लेट पर ले लिया है और उसे अच्छे से मैंने एक्टिवेट कर दिया है अपने फिंगर्स से। और ये एक कबूकी ब्रश मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि है पैक का, जिसे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप एक ब्रश से, कबूकी ब्रश से अगर फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो आपको फुल कवरेज मिलेगा। और अगर आप ब्लेंडर से अप्लाई करोगे, तो आपको मिनिमम कवरेज मिलता है, लाइट कवरेज मिलेगा। तो इस तरह से मैं इनके फेस पे ये अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये एक ब्राइडल मेकअप है, इसलिए मैं इसे कबूकी ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइड्स को हमेशा फुल कवरेज मेकअप ही अच्छा लगता है। सेम फाउंडेशन को मैं इनके नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अभी प्रॉश के ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से इसे सेट कर रही हूँ, जहाँ पे भी नोज़ के यहाँ पे या अंडर आइज़ के यहाँ पे, जहाँ पे भी क्रीजिंग की हो सकती है, वहाँ पे हमें अच्छे से इसे ब्लेंड आउट करना है। अभी शुगर का ही मैंने यहाँ पर ब्लश इन्हें अप्लाई किया है, क्रीम ब्लश। आप देख सकते हो स्टिक, ये शुगर का क्रीम ब्लश है स्टिक फॉर्म में। थोड़ा सा मैंने अपने ब्रश पे ले लिया है और इनके चीक्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, एप्पल ऑफ द चीक्स पे। थोड़ा सा चीन पे भी अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा मेकअप एकदम नेचुरल दिखता है और आपका ब्लश भी लॉन्ग स्टे रहेगा। अभी शुगर का ही मैंने यहाँ पे कॉन्टोर स्टिक ली है, शुगर की, जिससे मैं इनके फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। फोरहेड पे मैंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं की है, क्योंकि आप देख सकते हो इनका फोरहेड थोड़ा सा छोटा है, तो फोरहेड पे बहुत ही कम कॉन्टोर मैंने अप्लाई किया है। अभी एक ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसे ब्लेंड करना है और हेयर लाइन में अप्लाई करना है, हेयर लाइन के अंदर आपको इसे ब्लेंड करना है। अभी नोज़ के ऊपर भी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कभी भी आपको कॉन्टोर हमेशा अपवर्ड ही ब्लेंड करना है। इस तरह से हम ब्लेंडिंग करेंगे अच्छे से, बिल्कुल भी कहीं पे भी हार्श लाइन हमें नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर। ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है,
ये मेरा गो टू प्रोडक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट बिल्कुल सीमलेस है, एकदम सीमलेस आपको ये लुक देगा। आप देख सकते हो कहीं पे भी क्रीजिंग नहीं होती है इस कंसीलर से। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। आप मेबिलिन के ये कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं। अभी सबको इवन करने के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिट मी का, मेबिलिन का फिट मी का ही पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मेबिलिन के सारे प्रोडक्ट्स मेरे बहुत ही फेवरेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये पाउडर यूज़ किया है, लूज़ पाउडर, और एक पिज़्ज़ा पफ से मैं इसे अच्छी तरह से इनके अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा पाउडर लेंगे, बाकी का हम, आप देख रहे हो मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, एक्सेस पाउडर नहीं लगाना है। और इस पाउडर का शेड है 15, और जहाँ पे भी कॉर्नर्स है, नोज़ के कॉर्नर्स है, वहाँ पे हम पिज़्ज़ा पफ हमें बहुत काम आता है, अच्छे से पाउडर हम उस जगह पे लगा सकते हैं पिज़्ज़ा पफ से। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा पफ लिया है जिससे मैं इनके फुल फेस की पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ ताकि मुझे इवनली पाउडर स्प्रेड हो सके मेरे से। अगर आप पिज़्ज़ा पफ से लगाने जाओगे तो थोड़ा सा पैची हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पफ यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इनके फेस के कॉन्टोरिंग को सेट कर रहे हैं। मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने यहाँ पे कॉन्टोर लिया है, पाउडर कॉन्टोर, जो कि एक रेने के ब्रश से मैं यहाँ पे इन्हें अप्लाई कर रही हूँ। ये है रेने का कॉन्टोरिंग ब्रश तो आप देख सकते हो अच्छे से मैं इनको कॉन्टोर कर रही हूँ। और यहाँ पे नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे। नोज़ तो इनकी काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा बहुत हम इसे कॉन्टोर करके एक थोड़ा सा शेप में लाएंगे। पैक का यहाँ पे पीएसी का ब्लश मैंने यूज़ किया है, इसका शेड है ड्रामा। ये बिल्कुल ही सटल शेड आप बोल सकते हो, ब्राइड्स के लिए एप्ट शेड है ये। ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा शेड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैंने लिया है और उससे मैं इनके आई के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जिसे हम आई बेस बनाएंगे। प्रो आर्ट का ब्रश मैंने ले लिया है, कंसीलर ब्रश, जहाँ जिससे मैं इनके आईब्रोज़ की शेप कर रही हूँ। आप अगर आईब्रोज़ की शेप का मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसके पहले वीडियो में मैंने वहाँ दिखाया हुआ है कि मैं आईब्रोज़ की किस तरह से शेपिंग करती हूँ, आप मेरे उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो आई मैजिक की पैलेट मैंने यहाँ पे यूज़ की है इनके आई लुक के लिए। तो इसमें से दो शेड मैंने पिक किए हैं, एक पिंक और एक लाइट पीच। आप देख सकते हो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करके एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से हम इसे क्रीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि इनके आईज़ के कॉन्टोर करेंगे अच्छे से। क्रीज के ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे, ब्लेंड 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 इज़ द मेन की, आपको बस अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक स्मॉल पेंसिल ब्रश, और आप ये टेक्निक देख सकते हो। अगर आपको आई मेकअप करने में दिक्कत होती है तो आप ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक छोटा पेंसिल ब्रश मैंने लिया है, उसमें से मैंने एक डार्क शेड उठाया है पर्पल कलर का, और तीन डॉट मैंने प्लेस किए हैं और उसे हम सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह से एक 1 2 3 डॉट्स लगा के मैं इसे जस्ट ज्वाइन कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। अभी यहाँ पे एक येलो शेड मैंने ले लिया है फ्लैट ब्रश पे, और इसे मैं बीच में अप्लाई कर रही हूँ। इसे आप स्पॉटलाइट आई लुक भी कह सकते हो, या तो फिर हेलो आईज़ भी कह सकते हो। तो ये शेड हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं टू टाइप के आई लुक्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये जो लुक है, इसमें मैं यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी मैं पिगमेंट यहाँ पे लगाऊंगी, पिगमेंट नहीं, जो भी मैं शिमर यहाँ पे लगाऊंगी वो अच्छे से विजिबल हो। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यही सेम फ्लैट ब्रश को मैंने सेटिंग स्प्रे से गीला कर लिया है, और यहाँ पे शिमरी शेड मैं ले रही हूँ और उसे मैं इस येलो शेड पर अप्लाई कर रही हूँ। ये गोल्डन शिमरी शेड है, तो ऐसा करने से आपका जो आई लुक है वो एकदम विजिबल होगा, पॉप आउट होगा। तो ये हमारा एक आई लुक हो गया, मतलब आप इसे ऐसे ही रख सकते हो, और या तो फिर आप इस पर ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आगे हम क्या करेंगे।
तो फिर से मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल शेड ले लिया है और अच्छे से मैं दोनों साइड से मर्ज कर रही हूँ इस ग्लिटर के साथ, ताकि सब इवन दिखे। और थोड़ा सा पर्पल शेड मैंने वापस ले लिया है और उससे मैं इनकी क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ उसी स्मॉल पेंसिल ब्रश से। अभी यहाँ पे मैंने आई मैजिक का ग्लू ले लिया है, ये ग्लिटर ग्लू है, आप देख सकते हो। आपका अगर ग्लिटर पैची होता है तो आप उसे ग्लिटर के वॉन्ड से नहीं अप्लाई करना, उसे आपको एक ब्रश से अप्लाई करना है, एक फ्लफ़ी ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ग्लिटर लगाना है, ग्लिटर ग्लू लगाना है सॉरी। और उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक गोल्डन ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ये मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है एक फ्लफ़ी ब्रश से, बिल्कुल हल्के हाथों से, फेदर टच से आपको अप्लाई करना है इस ग्लू को। और फिर ग्लिटर लेना है एक फ्लफ़ी ब्रश में और फिर उसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से उसके ऊपर आपको प्लेस करना है। ऐसा करने से कभी भी आपका ग्लिटर पैची नहीं होगा, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इनका आई लुक। अभी हम इसे अच्छे से डिफाइन करेंगे, जो कॉर्नर्स है उसे अच्छे से मैं कट कर रही हूँ थोड़े से कंसीलर से, ताकि मेरा आई लुक एकदम नीट लगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा कंसीलर मैंने लगा दिया है क्रॉस सेक्शन में और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ एक ब्रश से। अभी आईज़ के नीचे हम सेम दो शेड अप्लाई करने वाले हैं जो हमने इनकी क्रीज के ऊपर अप्लाई किए थे, जो कि है पिंक और पीच कलर लाइट शेड में। अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एक स्मॉल ब्रश से, स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का काजल इनके वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से हम रिकॉर्ड का काजल अप्लाई करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके मैं इस काजल को स्मज आउट कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश से, ताकि मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट मिले। अभी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ विंग लाइनर, जो कि है इंग्लॉट का नंबर 77। इंग्लॉट का 77 नंबर का जेल लाइनर मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे एक विंग बना दिया है मैंने और ब्रश यहाँ पे मैंने प्रो आर्ट का यूज़ किया है लाइनर ब्रश। तो इस तरह से इनका मैंने विंग लाइनर बना दिया है, इस तरह से देखिए। अभी हम मेकअप को सेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मैक का स्प्रे यूज़ किया है। अच्छे से हम मेकअप को सेट करेंगे और उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप को सेट कर सकते हो, गीले पे कभी भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद मैं इनके लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, जो कि है मेबेलिन का, मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाटरप्रूफ मस्कारा, तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इसके बाद मेरी ये सबसे फेवरेट स्टेप है, जो कि है पाउडर अप्लाई करना। ये है फॉरएवर 52 के का पाउडर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, जो कि मैंने अप्लाई कर दिया है, जिससे मेरा मेकअप नेक्स्ट लेवल पे जाता है और अच्छे तरह से सेट भी हो जाता है और वाटरप्रूफ भी हो जाता है। तो आप भी ये स्टेप करके देखिए और मुझे कमेंट कीजिए आपका मेकअप कैसे लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर अप्लाई हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इनके आईब्रोज़ के नीचे, और सेम हाइलाइटर से इनको मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ इनके चीक्स पे और जो भी हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे। ये भी एक बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, जो कि अफोर्डेबल रेंज में आप ले सकते हो, वेरी नाइस हाइलाइटर। मैं इसे भी आपके लिए हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इस हाइलाइटर को लेके देखिए। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, ये बिल्कुल भी चंकी और चौकी नहीं है, एकदम विद इन ग्लो देगा आपको, एकदम नेचुरल लुक देगा। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मेबेलिन की लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने मेबेलिन की लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक यहाँ पे अप्लाई की है, जिसका शेड है पिंक, डार्क पिंक। इसे मैं अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक, हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।